अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मई जून 2019, पेपर टू वेरिएंट टू का क्वेश्चन है ये। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, और इसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का भी टच है। सो देर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इनशाला। द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, सो लेट जस्ट मूव ऑन विद द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। In the first part, we have a triangle ACD in which angle ADC is equals to 110 degrees. So this is the triangle ACD. This angle ADC is equals to 110 degrees. Line EB is parallel to DC. This line EB is parallel to DC. So we have two parallel lines. And whenever the word parallel comes, this means we are talking about some angles. And that is the alternate angles and the corresponding angles. So we have to use that concept as well in this question. In the first part, we have to find x, giving reason for each step in your working. So this is a 3-mark question. So you have to give the reasons as well. You have to show your working, proper working इसमें होनी चाहिए, और आपको reasons लिखने हैं अपने answers के साथ कि भाई ये जो angle है ये मैंने किस तरह जो है वो find out किया है। तो सिंस आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एक्स, ये वाला एंगल है, एंड दिस एंगल इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ए बी सी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये एंगल एक्स है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आई कैन फाइंड आउट एक्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए ई बी, इसमें भी मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने सिंस दिस वर्ड पैरेलल, मैंने बोला था ये पैरेलल का वर्ड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे मुझे पता चला कि भाई दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब है कि अगर दिस इज 110 डिग्रीज तो दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 110 डिग्रीज, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये 110 डिग्रीज है तो ये देखो एफ लेटर बन रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आपको पता है आप एफ लेटर देखते हुए देखो इस तरह ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 110 डिग्रीज है तो डेफिनेटली ये वाला भी 110 डिग्रीज होगा। अच्छा, अब ये तो मैंने मार्क कर दिया 110 डिग्री, अब मुझे ये लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू गिव रीजन फॉर एवरी स्टेप। तो ये इधर मैंने लिखा कि भाई एंगल ए डी सी जो है ये बिल्कुल बराबर है एंगल ए ई बी के, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 110। अच्छा, अब ये मेरे पास एंगल आ गया 110। अब ये देखो दो लाइन्स बनी हुई है, ये इन दो लाइन्स का मतलब होता है कि ये जो दो साइड्स है ना ए ई और ई बी, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, इनकी लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ए ई बी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि जो दो साइड्स बराबर होती है ना उनके सामने वाले एंगल्स भी बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये वाली साइड बराबर है तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो इसका मतलब है कि मैं जो है ये वाला एंगल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे पता है कि भाई ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी थोड़ी सी वर्किंग करी, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें वर्किंग। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये इस तरह नहीं है, जैसा ट्राइंगल है ना उसी तरह बनाते हैं ताकि फिर ये कि समझने में आसानी हो। तो ये ट्राइंगल किस तरह का है, यूँ आ रहा है, उसके बाद यूँ स्ट्रेट लाइन है और फिर ये यूँ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को एक्स अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों एंगल्स बराबर है ना, तो ये भी एक्स हो गया और एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, और ये वाला तो मुझे पता है 110 डिग्री है, ऐसे ही है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जब मैं तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा एक्स प्लस एक्स प्लस 110, तो माय आंसर विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्रीज होते हैं। अब एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये 110 जब दूसरी साइड पे जाएगा शिफ्ट होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 70, ठीक है। अच्छा, और अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 2 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 35। तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला एंगल भी 35 है और ये वाला भी एंगल 35 है। मुझे क्या फाइंड करना था, आई हैव टू फाइंड x,
एक्स कैसे यूज करूंगा? दिस कंप्लीट एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो 180 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 145 डिग्रीज. अच्छा, अब यहाँ सारी जो है ना वो आपको वर्किंग और सोल्यूशन और रीजन वगैरह लिखने पड़ेंगे क्योंकि 3 मार्क्स है. अच्छा, सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है गिवन दैट ई बी इज 12 सेंटीमीटर. अच्छा, ये जो फिगर है इसमें कह रहा है ई बी, ये वाली जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है. इफ दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ए ई भी 12 होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स तो बिल्कुल बराबर थी. तो यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ, ई बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है. अच्छा, ए ई भी 12 होगी, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये मैंने जो है वो खुद जो है वो अपनी वर्किंग से जो है वो फाइंड आउट किया है. और फिर कह रहा है डी सी 20 सेंटीमीटर है, तो डी सी जो है ये 20 सेंटीमीटर हो गई. मुझसे कह रहा है फाइंड ई डी, आपको ई डी फाइंड करना है, आपको ये वाली साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो चूंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो आप इसको सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो. मैं दोनों से तुम्हें करके दिखाता हूँ. मैंने जो है वो साइन रूल से भी किया इसको, उसको साइन रूल से फाइंड आउट कर लिया. और जो है तुम इसको जो है वो उससे भी कर सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो रेशियोज बना के. तो दोनों मेथड से देख लेते हैं, बिल्कुल आंसर सेम आएगा. पहले हम साइन रूल से कर लेते हैं. साइन रूल जो है वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए होता है. तो ये वाला एंगल 35 इस तरह आया कि ये 110 है. ठीक है, हम अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, ए डी सी, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका इंटीरियर एंगल का सम भी तो 180 होगा ना. तो ये 110 है, ये 35 है, तो ये वाला जो है वो कितना होगा? ये भी 35 होगा क्योंकि तीनों को ऐड करूँ तो 180 आना चाहिए. तो अब मैं यहाँ साइन रूल भी यूज़ कर सकता हूँ. कैसे? साइन रूल के लिए मुझे ये वाली साइड चाहिए ए डी. तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल यूज़ करता हूँ 35, क्योंकि साइन रूल में आपको पता है ऑपोजिट एंगल यूज़ करना है. तो पहले मैंने क्या किया, ए डी ली, ए डी अपॉन ए डी के सामने वाली एंगल कितना है 35. तो ए डी अपॉन साइन 35 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन साइन 35. समझ रहे हो? ए डी ले लिया मैंने, चूंकि मुझे ई डी साइड फाइंड करनी है ना, तो ए डी इज अ पार्ट ऑफ ई डी. तो मैंने क्या किया, ये वाली साइड ली ए डी अपॉन इसके सामने वाला एंगल कितना है 35, तो साइन 35 इक्वल्स टू 20, ये वाली साइड ले ली 20, इसके सामने वाला एंगल कितना है 35, तो अगेन साइन 35. अब ये साइन 35 से साइन 35 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ये इससे ये साइन 35 और ये साइन 35 कैंसिल आउट हो गया. ए डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए डी जो है वो 12 प्लस, इसको कर लेते हैं 12 प्लस ई डी. ठीक है ना, इसको मैं कर लेता हूँ 12 प्लस ई डी. और 12 प्लस ई डी किसके बराबर होगा, 12 प्लस ई डी जो है वो 20 के बराबर हो गया. अब चूंकि मुझे जो है वो ई डी चाहिए, तो मैंने 12 को शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड पे, 12 जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास ई डी की लेंथ कितनी आ गई, 8 आ गई. ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि यार सारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर आ गई. अच्छा, अब इसको हम सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, तो उससे भी देख लेते हैं कैसे होता है. सिमिलर वाले ट्राइंगल्स में क्या करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये कॉमन एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है. हम पहले इनका रेशियो बना लेते हैं, चूंकि हमें ई डी चाहिए ना, तो ई डी को हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर मैं ये वाली साइड लूँ बड़ी वाली. ठीक है, तो मैं करता हूँ इस तरह ए ई, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि फिगर तुम लोग के सामने रहे. सिमिलर ट्राइंगल्स में जो है वो एक साइड हो गई ये ए ई, तो ए ई हो गई, छोटा ट्राइंगल ए ई हो गया. ए ई के बाद जो है वो बड़े ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए डी. और दूसरे वाले का रेशियो बना लेते हैं जल्दी से. ये वाली साइड गिवन है हमें ई बी, तो ई बी अपॉन ई बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, डी सी हो जाएगी. ठीक है, ये डी सी हो गई. अच्छा, अब जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ. ए ई की जगह पे क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा. और ए डी की जगह पे क्या लिखूंगा, ए डी की जगह पे लिखूंगा 12 प्लस ई डी. ठीक है, जैसे मैं उसके रेशियोज बनाता हूँ. यहाँ तुम एक्स भी ले सकते हो, एक्स से भी कोई मसला नहीं है. और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ ई बी की वैल्यू है 12, 12 अपॉन 20 हो जाएगा. अच्छा, ये भी बड़ा आसान हो गया, 12 से 12 कैंसिल कर दूंगा मैं. ठीक है, ये वाला 12 और ये वाला 12 जो है मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कैंसिल होने ही है. अच्छा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 20 इधर आ जाएगा और 12 प्लस ई डी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 प्लस ई डी. उसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी दोबारा, 12 प्लस ई डी इज इक्वल्स टू 20. और जब मैं ई डी की वैल्यू निकालूंगा तो 12 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगेन ई डी की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी इज कमिंग आउट एज
8 सेंटीमीटर। तो इट डजेंट मैटर तुम किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, बस ये है कि वर्किंग अगर सही है बिल्कुल और कॉन्सेप्ट सही है तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी देखो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, और हमने जो साइन रूल वाले कॉन्सेप्ट से किया तो उससे भी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपके मिड ईयर के पेपर्स में भी, एंड ऑफ ईयर के पेपर्स में भी हमने ये क्वेश्चन काफी पूछा है। अब इसमें ये जो शेप है हमारे पास, क्योंकि इसमें 5 एंगल्स बन रहे हैं तो ये पेंटागोन है, और साइड देख लो 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है तो ये पेंटागोन है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दिस इज नॉट अ रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, ये रेगुलर पेंटागोन नहीं है क्योंकि सारे एंगल्स अलग अलग हैं आपको नजर आ रहे हैं, तो ये रेगुलर पेंटागोन नहीं है। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ जो पेंटागोन है वो कितना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180। ठीक है, n-2 × 180, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज फॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसके अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला है, एन इज द नंबर ऑफ साइड। तो चूंकि ये पेंटागॉन है 5 है, तो 5-2 × 180, 540। तो 540 जो है वो पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन सबको पांचों को ऐड करूंगा तो 540 के बराबर आने चाहिए। तो मैंने बिल्कुल यही किया, ए प्लस 3A प्लस 130 प्लस 80 प्लस 10 किया, और इसको जो है वो मैंने इक्वेट कर दिया किससे, 540 से, क्योंकि इनका सम जो है वो 540 के बराबर आएगा। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये ए और 3A 4A हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 320 हो गया, तीनों को 320 को शिफ्ट किया, 4 को वहां भेजा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, तो ए की वैल्यू 55 आ गई। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें बस याद रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन और n-2 × 180। ये फॉर्मूला जो है ना ये पॉलीगॉन के लिए है, रेगुलर हो इरेगुलर हो यही फॉर्मूला यूज होता है। और हमें पता होना चाहिए कि भाई रेगुलर पॉलीगॉन है कि इरेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसके इंटीरियर एंगल्स और साइड सब बराबर होती है, इंटीरियर एंगल्स सारे इक्वल होंगे 5 के 5। अगर ये रेगुलर पेंटागॉन होता तो इसके पांचों के पांचों इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते, और पांचों पांचों जो पांचों साइड की लेंथ है ना वो भी बिल्कुल इक्वल होती। चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आई गेस लास्ट पार्ट रह गया इसका। हाँ ये रह गया, इसमें हमें उसने इस तरह की फिगर बना के दी हुई है। ठीक है, PQRS, और ये P से लेके R तक उसने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, Q से M जो है उसने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये 7 है और ये 14 है। हमसे कह रहा है PQRNS आर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये जो PQRS है ना ये वर्टिसेस है रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है, अब ये कौन सा पॉलीगॉन है ये उसने नहीं बताया, उसने कहा रेगुलर पॉलीगॉन है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 14 है तो डेफिनेटली ये वाली साइड भी 14 होगी। ठीक है, और ये वाली साइड भी 14 होगी क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड बराबर होती है। आगे कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब ये जो एम है ये पी आर का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये 14 है ये 14 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है समझो, तो ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि पी क्यू 14 है, क्यू एम जो है वो 7 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी साइड हैज द पॉलीगॉन शो योर वर्किंग। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका, दिस क्वेश्चन हैज के मार्क्स लिखे होंगे ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पूरी वर्किंग आपको करके दिखानी होगी। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं कि ये फिगर में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होने वाली है। अच्छा, अब कह रहा है हाउ मेनी साइड्स हैज़ द पॉलीगॉन, मुझे साइड्स बतानी है। 3 साइड्स तो मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे नहीं पता बाकी और कितनी साइड्स हैं, मुझे साइड्स फाइंड आउट करनी है। साइड्स निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमें साइड्स पता चल सकती हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है n-2 × 180, तो इससे हमें साइड पता चल सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ मुझे पॉलीगॉन की साइड ही नहीं पता तो मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालूंगा मैं। हाँ, एक और मेरे पास फॉर्मूला है जो कि इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है जैसे इस केस में हमें दिया हुआ है, तो उसका एक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, उसका एक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n-2 × 180 / n। ठीक है, n-2 × 180
ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है, और इसको जब मैं एन से डिवाइड कर दूंगा मतलब नंबर ऑफ साइड से, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक एंगल कितना है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके जो है ना मैं एन फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए कि भाई एक इंटीरियर एंगल कितना है। या मैं ये फाइंड कर लूँ या मैं ये फाइंड कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीरियर एंगल है इस पॉलीगॉन का। ये तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मुझे कुछ डाटा नहीं है। हाँ, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे पता है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो मैं डबल करूंगा तो आई कैन गेट दिस वैल्यू। ये वाला कैसे कर सकता हूँ मैं, ये वाला इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने इस तरह जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये 7 गिवन है, ठीक है। तो ये एक मैंने जो है वो ट्राइंगल निकाल के यहाँ बना लिया। इसमें मेरे पास ये वाली साइड जो है वो 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज जो है वो 14 है। अच्छा, अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो इसका मतलब है कि एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, ये एडजेसेंट हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो सिंस आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, तो मुझे देखना है गिवन क्या है। तो मेरे पास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन सा होता है, कॉस होता है, तो मैंने यहाँ कॉस यूज कर लिया। तो मैं यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ कि कॉस एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो कॉस एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, चूंकि मुझे एक्स चाहिए तो मैं कॉस को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे, इन्वर्स हो जाएगा। और जब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, कॉस इन्वर्स निकालूंगा, तो मेरे पास जो है वो, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये तकरीबन हाफ हो जाएगा, 7/14 मीन्स 1/2, और कॉस जो है वो 60 आ जाएगी वैल्यू। तो मेरे पास जो एंगल की वैल्यू आ गई 60 आ गई। अब चूंकि मैंने अभी हाफ एंगल फाइंड किया है ना, मैंने हाफ एंगल फाइंड किया क्योंकि मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया है ये तो आधा ट्राइंगल बनाया है ना, तो मुझे पूरा चाहिए। तो मैं 60 का डबल कर देता हूँ, 60 का डबल हो जाएगा 120। 20 इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल। नाउ सिंस आई हैव द इंटीरियर एंगल, आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। इंटीरियर एंगल इज 120, सो इन प्लेस ऑफ इंटीरियर एंगल आई एम राइटिंग 120 इज इक्वल्स टू, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, सो एन माइनस टू विल बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई एन। नाउ आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट, दिस एन विल गेट ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 120। 120 एन इक्वल्स टू, दिस एन विल बी मल्टीप्लाइड विद 180 एंड दिस माइनस टू विल ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड विद 180। 180 मल्टीप्लाई बाई एन विल बी 180 एन। 180 मल्टीप्लाई बाई माइनस टू विल बी माइनस 360। This minus 360 will be shift on this side and this 120 will get in this side. 180 minus 120 will be 60 and 60, 360 divided by 60 will give me n. अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको यहाँ कर देता हूँ इस तरह। ये इस तरह हो गया कि 360 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, और ये 180 एज इट इज़ उधर पहले से था 180 एन। अब जब 120 यहाँ से वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 120 एन हो जाएगा। 180 में से 120 एन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 एन, और ये 360 एज इट इज रहेगा। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, 60 को दूसरी साइड पे भेजूंगा डिवाइड हो जाएगा, और 360 डिवाइडेड बाय 60 विल गिव मी 6। तो एन की वैल्यू जो है वो मेरे पास 6 आ गई। इसका मतलब है ये हेक्सागोन है, इसकी 6 साइड है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तीन चार पार्ट थे इस क्वेश्चन के, मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो उसको बड़े पसंद आते हैं एग्जामिनर को, तो वो इसी तरह के क्वेश्चन देता है जिसमें सारी चीज़ें वो पूछ ले। देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स भी आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स भी आ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आओगे इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है किसी टॉपिक में तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून टू मैथ गुरु, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।